दोस्तों आज हम बात करते हैं जोगान के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक नए तरीके का डोजुत्सु है जो कि अभी हाल ही में बुरुटो सीरीज में इंट्रोड्यूस किया गया है। ये एक तरह के इक्केगन का ही है जिसमें ब्याकुगन एंड सारिंगन की तरह यूजर की आईज में पावर होती है। दोस्तों जोगान का मतलब जैपनीज में होता है प्योर आई। जोगान की पावर ओत्सुत्सुकी क्लैन की पावर से काफी सिमिलर है। ये इक्केगन का हमें सिर्फ केवल नारुतो के बेटे बुरुटो में देखने को मिलती है। दोस्तों शुरुआत में जोगान केवल डेंजरस और हिडन ऑब्जेक्ट को सेंस करके खुद ही एक्टिवेट हो जाए करती थी, पर यूजर जैसे जैसे ट्रेनिंग करता है वो अपनी मर्जी से जोगान को कंट्रोल करने लग जाता है। जोगान की हेल्प से यूजर ब्याकुगन की तरह किसी भी पर्सन में चाकरा का फ्लो और चाकरा के पॉइंट्स देख सकता है। इसके अलावा अगर उस पर्सन के चाकरा में कोई चेंजेस होते हैं तो उसको भी देखा जा सकता है और उसके चाकरा को ट्रैक करके ढूंढा भी जा सकता है। दोस्तों जोगान की ये सारी एबिलिटी ब्याकुगन से काफी मिलती है, पर जोगान की हेल्प से यूजर किसी भी तरीके का इनविजिबल बैरियर्स या पोर्टल्स जो दूसरे डायमेंशंस को आपस में कनेक्ट करते हैं उनका पता लगा सकता है। ये चीजें जोगान को ब्याकुगन से अलग करती हैं। इसके अलावा हमें नारुतो सीरीज के एंड में दिखाया जाता है कि कगुया योमोत्सु हिरासा का जुत्सु का यूज करके पोर्टल क्रिएट करती है। दोस्तों जोगान की हेल्प से यूजर को पता लग जाता है कि कौन सा पोर्टल कब और कहां खुलने वाला है। लेकिन दोस्तों बुरुटो को ये जोगान आई की पावर कैसे मिली इसको एग्जैक्टली नहीं दिखाया गया। इसके पीछे कई सारी थ्योरीज हैं, लेकिन एक ऐसी थ्योरी है जिसको मैं भी सही मानता हूँ। हमें नारुतो की मूवी द लास्ट में बताया गया था कि हिनाटा युगा की मेन ब्रांच फैमिली से है और हागोरोमो यानी कि सेज ऑफ सिक्स पाथ के भाई हामुरा की वंशज है, जिसकी वजह से उसके पास ब्याकुगन का प्योरेस्ट फॉर्म है। और हमें ग्रेट फोर्थ निंजा वॉर के दौरान दिखाया जाता है कि नारुतो को सेज ऑफ सिक्स पाथ हागोरोमो ने अपना चाकरा एज ए गिफ्ट दे दिया था। शायद इसकी वजह से नारुतो और हिनाटा के बच्चे के पास ओत्सुत्सुकी क्लैन की पावर है जो कि उसको एज ए इक्केगन का ही हासिल हो गई। दोस्तों जोगान की एबिलिटी बहुत ही यूनिक है एंड न्यू है और हमें सीरीज में इसके बारे में अभी ज्यादा दिखाया नहीं गया, पर हम उम्मीद करते हैं कि जैसे जैसे बुरुटो सीरीज आगे बढ़ेगी हमें जोगान के बारे में और भी चीजें जानने को मिलेंगी। दोस्तों आपको क्या लगता है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही एनिमे कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल थिंक एनिमे को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दत्त बायो।